हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बनाते समय उसमें कोई दूसरा मोबाइल नंबर दिया था और अगर आप इसे अब दोबारा से वहां पे कोई दूसरा मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहना और दोस्तों वीडियो को कहीं भी मिस या फिर स्किप नहीं करना, नहीं तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि कैसे आप इसमें अपना मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहना और दोस्तों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों, मैंने अभी अपने मोबाइल में ई श्रम कार्ड का जो पोर्टल है वो यहाँ पे अभी ओपन कर रखा है, तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में आपको खुद से ई श्रम कार्ड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड, और आधार में जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक है वो चाहिए, और बैंक डिटेल्स, और यहाँ पे चाहिए आपका एज कम से कम 16 से 59 साल होना चाहिए। और उसके बाद नीचे में आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन कुछ का फॉर्म मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो दोस्तों, इसका मैं वीडियो कभी फिर बना करके दे दूँगा। फिलहाल मैं अभी ये बताने वाला हूँ कि आप अपने इसमें मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं ई श्रम कार्ड में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन ये दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे में दिख रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये वाला पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद उसके नीचे ही जस्ट आपको दिख जाएगा अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ जाएंगे। तो इसमें आपको क्या डालना है, तो यहाँ पे डालना है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज़ प्रेफर्ड, यानी कि आपने जो भी आधार में मोबाइल नंबर जुड़वाया था वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। देन उसके बाद आपको नीचे में जो कैप्चा दिख रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करके और उसके बाद कर देना है सेंड ओटीपी। तो चलिए मैं ये अभी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और ये कैप्चा फिल करने के बाद आपको सिंपली से कर देना है सेंड ओटीपी। तो जैसे ही ओटीपी आप सेंड करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कर देना है सबमिट। तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है, और यहाँ पे आपको नीचे में ये जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं फिंगरप्रिंट, आइरिस और ओटीपी, तो आपको इसमें से जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन खुद से ही करने के लिए चेंज बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ओटीपी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। तो आपको सिंपली से यहाँ पे ओटीपी वाला टिक कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है, और उसके बाद आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है वो आपको यहाँ पे फिल करके और उसके बाद आपको डायरेक्ट कर देना है सबमिट। तो चलिए मैं अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर आधार नंबर और ओटीपी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है, उसके बाद कर देना है सबमिट। तो सबमिट करते ही आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, तो आपको यहाँ पे वो ओटीपी को एंटर कर लेना है। तो ओटीपी डालने के बाद आप जैसे यहाँ पे वैलिडेट करेंगे तो आपका आप डायरेक्ट चले जाएंगे इस वाले पेज पे। तो यहाँ पे आपको आपका जो भी नेम है वो आपको डैश डैश करके यहाँ पे दिखेगा, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, और आपको यहाँ पे जो भी जेंडर है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है टिक करने के लिए, तो आप यहाँ पे पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको दिया गया आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ई श्रम, यानी आप अपने ई श्रम कार्ड को यहाँ से डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से डिलीट टिक करके और अपडेट की KYC पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ई श्रम कार्ड डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपको वो वाला बॉक्स जो है ये आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टिक नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे में अपडेट KYC इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो पेज और ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा दो ऑप्शन में, जैसे कि अपडेट प्रोफाइल और दूसरा है डाउनलोड UAN कार्ड। तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल में अपडेटिंग करना है, तो सिंपली से आपको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन और इनकम, यहाँ पे और भी बहुत सारी बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के मिल जाएगी। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जाना है, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, एक पॉपअप शो होगा, तो आपको सिंपली से इस पर कर देना है यस। वहाँ पर यही पूछ रहा था कि आप इसमें क्या कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था वहाँ यस करने के बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली से आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपने का जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे चेंज करके और वो सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है।
तो आपको जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है उसे आप इंटर करके और जैसे ही आप सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करना है और इसके बाद कर देना है वेरीफाई। तो दोस्तों फोन नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे में जाना है और नीचे में आने के बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जैसे कि लॉग आउट, बैक और अपडेट। तो आप जैसे ही यहाँ पे अपडेट क्लिक करेंगे तो आपका ये फोन एक पॉपअप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली से कर देना है, ऊपर में आप जो ये देख रहे हैं प्लीज कंटिन्यू टू अपडेट इन्फॉर्मेशन, तो आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। तो फिर से आपको चेक करने के लिए उसी तरह आपको यहाँ पे आना है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने ई श्रम कार्ड में अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। और दोस्तों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं यहाँ पे इसी तरह की वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।